वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। यदि वाक्य के अंत में गा गे आदि शब्द आएंगे तो वहाँ पर होगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर मीन्स जो हमारा भविष्य में कार्य हो रहा होगा, इंडिफिनिट मीन्स जो अनिश्चित कार्य होगा। ठीक है, तो जो भविष्य में अनिश्चित कार्य हो, मतलब हमें जानकारी ना हो कि कार्य पूरा हो चुका है या कार्य हो रहा है, तो उसे कहा जाता है अनिश्चित कार्य। ठीक है, तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो देखिए इसकी जो पहचान होती है वो क्या है, यदि इस काल में कार्य का पूरा होना, अपूर्ण रहने या जारी रहने या लगातार होने रहने के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो वही हो जाता हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, उसका देखिए इसका रोल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल और सेल है, तो आई वी के साथ लगाते हैं हम सेल तथा अन्य सभी के साथ प्रयोग करेंगे विल। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर अनिवार्यता दिखाई जा रही है या आदेश दिखाया जा रहा है, किसी चीज़ के लिए बाध्य किया जा रहा है, संकल्प लिया जा रहा है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं आई वी के साथ में विल का और अन्य सभी कर्ताओं के साथ सेल का। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है, यदि वाक्य में बाध्यता, अनिवार्यता या आदेश एवं संकल्प व्यक्त करने के लिए आई वी के साथ, देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा विल का, तथा अन्य सभी कर्ता के साथ प्रयोग करेंगे सेल का। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, आप आज हम क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, तो हमारा सिंपल सेंटेंस तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हो जाएगा वी, उसके बाद इसमें देखो सिंपल ही है तो हम क्या लगा देंगे सेल, वर्ब है खेलेंगे, वी सेल प्ले क्रिकेट, उसके बाद आज के लिए लिख देंगे यहाँ पर टुडे। ठीक है, इसमें तो हम सेल लगाएंगे क्योंकि आई वी के साथ सेल यूज किया जाता है, लेकिन देखिए अगर इस तरीके से सेंटेंस दिया हो आज हम अवश्य क्रिकेट खेलेंगे, तो उसमें एक अनिवार्यता दिखाई जा रही है, संकल्प लिया जा रहा है कि हम आज ही खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आई वी के साथ हम प्रयोग करेंगे विल का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए आज हम अवश्य क्रिकेट खेलेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वी विल प्ले क्रिकेट और यहाँ पर लिख देंगे टुडे। ठीक है, तो हाँ आज हम अवश्य क्रिकेट खेलेंगे, सेंटेंस हमारा बन जाएगा वी विल प्ले क्रिकेट टुडे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बस इतना ही रखना है, जहाँ आई वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, अगर अनिवार्यता या संकल्प या बाध्यता कहीं दिखाई जाएगी तो वहाँ आई वी के साथ प्रयोग करेंगे विल का। ठीक है, बाकी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, ये एग्जाम्पल जो है सिंपल सेंटेंस के हैं, इसमें कोई भी अनिवार्यता या बाध्यता नहीं दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर आई वी के साथ प्रयोग करेंगे सेल का तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ प्रयोग करेंगे विल का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज हम अपने स्कूल जाएंगे, तो सब्जेक्ट इसमें है हम, तो कैसे बनाएंगे वी, उसके बाद वी के साथ क्या लगा देंगे सेल, उसके बाद वर्ब क्या है जाएंगे वी विल, वी सेल गो टू, अपने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर आवर स्कूल, उसके बाद देखिए लास्ट में लिखा है आज, तो आज के लिए लिख देंगे यहाँ पर टुडे। ठीक है, आज हम अपने स्कूल जाएंगे, सेंटेंस हमारा बन जाएगा वी सेल गो टू आवर स्कूल टुडे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आज बारिश होगी, इसमें सब्जेक्ट तो दिया नहीं गया, तो सब्जेक्ट जगह हम लिख लेते हैं इट, और वर्ब क्या दी गई है बारिश होगी, तो इसको बनाएंगे इट विल रैन टुडे। ठीक है, आज बारिश होगी, सेंटेंस हमारा बन जाएगा इट विल रेन टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये बच्चे कल गुब्बारे खरीदेंगे, तो देखिए कैसे बन जाएगा दीज चिल्ड्रन, ठीक है, उसके बाद विल बाय द बैलून्स, और कल के लिए यहाँ पे लिखेंगे, जब भविष्य काल में कल आता है उसके लिए लिखते हैं टुमारो, और टुमारो की स्पेलिंग याद रखना टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्लू। ठीक है, तो ये बच्चे कल गुब्बारे खरीदेंगे, सेंटेंस हमारा बन जाएगा दी चिल्ड्रन विल बाय द बैलून्स टुमारो। ठीक है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस थे जिसमें कोई भी बाध्यता या अनिवार्यता नहीं दिखाई जा रही थी, अब कुछ सेंटेंस हम लोग देखेंगे जिसमें बाध्यता या अनिवार्यता दिखाई जा रही हो, जिसमें हम प्रयोग करेंगे आई वी के साथ विल का तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ सेल का। ठीक है, चलिए वो भी सेंटेंस देख लेते हैं,
देखिए जो सेंटेंस लिए गए हैं इसमें अनिवार्यता या बाध्यता या संकल्पता दिखाई जा रही है, तो यहाँ आई वी के साथ प्रयोग करेंगे विल का तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ प्रयोग करेंगे शैल का। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले देखिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस। सबसे पहले लिखेंगे आई, सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद आई के साथ शैल लगता है लेकिन यहाँ पर लगाएंगे विल। आई विल हेल्प यू, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई विल हेल्प यू। ठीक है, इसमें अवश्य जो है ये इसी में इसका सेंस आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए, आज हम क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा वी विल प्ले क्रिकेट टुडे। ठीक है, आज हम क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, सेंटेंस हमारा बन जाएगा वी विल प्ले क्रिकेट टुडे। ठीक है, इसमें भी जो अवश्य हो सेंस इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी वैसे बन जाएगा हमारा सेंटेंस यू शैल गो देयर। ठीक है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, सेंटेंस हमारा बन जाएगा यू शैल गो देयर। ठीक है, आई होप आप लोग को सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अगर सेंटेंस समझ में आ गए हैं तो ऐसे सेंटेंसों की और प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी सेंटेंस में प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, आपको सोल्यूशन जल्द से जल्द उसका मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।